गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन मैं लेके आया आप लोगों के लिए वीडियो। तो आज हम लोग आ रहे हैं लावूरा म्यूजियम के बारे में आप लोगों को बताता हूँ मैं थोड़ा सा। एक्चुअली ये जगह है, एक म्यूजियम है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह है, जैसे मोनालिसा की पिक्चर्स, पेंटिंग वगैरह है। तो एक बार आप लोग यहाँ का नज़ारा देख लो, ये पैलेस से कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इसकी खूबसूरती, इसकी खासियत अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को आगे जाके पता चलेगी क्या है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते रहिए मेरे साथ। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। कल जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम तीनों गए थे आईफिल टावर में। अभी फ़िलहाल दोनों बिजी है बात करने में, तो हम लोग गए थे आईफिल टावर और आज हम लोग आए हैं ये म्यूज़ियम। एक्चुअली दिस इज़ अ म्यूज़ियम लाइक ग्लास पिरामिड। आप लोगों ने इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा कैसा है, उसी तरह इसे इमिटेट किया गया है। तो ये ग्लास का पिरामिड है, इस म्यूज़ियम के अंदर है। चारों तरफ ये सब पैलेस जैसा है, बहुत ही ज़बरदस्त। वाओ, बहुत सारे एंट्रेंस है इस तरीके के। हम लोग यहाँ से अभी आए हैं, फ्रॉम वेयर? या इट्स फ्रॉम ऑल साइड्स। या वाओ, सो दिस इज द मेन अट्रैक्शन हियर, इट्स कॉल्ड द ग्लास पिरामिड। ये बड़ा वाला है एंड इसके बाजू दो छोटे छोटे भी है, वन इज हियर एंड वन इज ऑन द अदर साइड। तो बहुत ही बड़ी जगह है एंड अगेन यू कैन सी दिस बिग बस। तो अगर इसमें आप लोग आते हो तो ये जगह भी आप लोग को मिलेगी। और ये भाई साहब लोग कहीं पे भी चालू हो जाते हैं। रिजवान, यू वांट टू जॉइन देम? व्हाट अबाउट यू फातिमा, यू वांट टू जॉइन देम? I don't want to show my skills. I don't want to show the skills. And I don't want the attention. Mm-hmm. It's your knee's high. No, it's not. This is Polizia. क्या बनावट है यार इसकी। और मैं बात कर रहा था इस चीज़ की, दिस इज द ग्लास पैलेस, सॉरी दिस इज द ग्लास पिरामिड। और यहाँ पे लाइन लगी है अंदर जाने के लिए। तो हम लोग पहले ले लेते हैं हम लोग के कुछ अच्छे से पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे। इतनी अच्छी जगह पे आए और पिक्चर ना ले तो कैसे चलेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है पीछे, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे बैठ के मस्त अपना लंच डिनर इसको देख के कर सकते हो। और शाम में ये मस्त लेट अप हो जाता है, एकदम मस्त चमकता है लाइट वगैरह में। इसके नीचे क्या है यार? Oh wow, we can go inside? Yeah. तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस पैलेस के अंदर और देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह बहुत होती है, ऐसा कुछ सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। What they do? मूवी शूटिंग। और ये हम लोग बाहर आ गए चलते चलते। क्या यार, बाहर आ गए तो फिर से। और यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारे हैं। हाँ यार, अजीब से देखने वाली बात है, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग बनी हुई है, बट दिस इज द स्टीकर। ये ऊपर से पर्दा लगा हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग है या बट दे विल बिल्ड लाइक दिस। तो एक और बार फिर से यहाँ पे एंटर करते हुए हम लोग, तो कुछ ऐसी पिक्चर लेने की है हमें। मेरे साथी लोग कहाँ चले गए, क्या मैं घूम गया हूँ?
Where are these guys? Okay, दिख गया मुझे. तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर लेनी है और सर चोटी वगैरह पकड़ के लेते हैं हम लोग अपने देसी स्टाइल ऑफ कोर्स. तो वो जगह ढूंढेंगे हम लोग कोई अच्छी प्रॉपर प्लेस यहाँ से ले सकते हैं. और guys, you guys are tired? Yeah, so यहाँ पे बहुत पिक्चर्स ले लिए अभी निकलेंगे यहाँ से. देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाते हैं हम लोग बिकॉज यहाँ पे तो कुछ है नहीं इतना खास करने के लिए. हम लोग अंदर जा भी नहीं रहे और बस यही है अभी इसके पीछे पिरामिड वो देख लिया काफ़ी सारे पिक्चर्स ले लिए. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट वी कैन डू. इसके बाद कुछ करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे. आखिरी बार देख लो आप लोग इसको. तो बस यही है द ग्लास पिरामिड और कुछ नहीं है यहाँ पे. इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स वगैरह तो यू कैन गो डाउन टेक प्री बुक द टिकट्स और नीचे जाके देख सकते हो पूरी पेंटिंग्स वगैरह. बस बाकी और कुछ नहीं है. सब यहाँ पे आके बैठ के चिल करके अपनी अपनी फोटोग्राफ्स ले रहे हर एंगल से. दर माइट बी सम एंगल जहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर आती होगी. अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो यस वहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को पिक्चर्स. और हम लोग ने भी काफ़ी पिक्चर्स लिए इसके पीछे बिकॉज यहाँ पे कभी आने ज़्यादा मिलता नहीं है. हमारे होटल से काफ़ी दूर है ये जगह तो इसलिए लेट्स सी और पिक्चर्स लेके ख़त्म करते हैं एंड जाते हैं कोई दूसरी जगह पर. सो म्यूज़ियम तो हो गया. अभी बाहर आए हैं हम लोग और बाहर आते से हम लोग की नज़र यहाँ पे पड़ती है तो एक छोटी सी रिवर जाती है एंड रिवर में जो है बोट्स जाती है. तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी कि वो बोट्स में जाके बैठे सो दैट हम लोग को वो बोट्स जो है पूरा पैरिस का लाइक रिवर व्यू से पूरा घुमाए हम लोगों को. वी आर ट्राइंग फॉर दैट बिकॉज अभी कुछ है नहीं करने के लिए यहाँ पे तो वो ट्राई करते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं टिकट्स वगैरह क्या है वो चीज़ की बिकॉज काफ़ी मज़ा आएगा यार ऊपर से ओपन बोट है. तो लेट्स गो एंड ट्राई दैट. ऑल राइट गाइस प्लान में थोड़ी सी चेंजेस है. अभी फिलहाल ऐसा है कि हम सब थक गए थे ये लोग भी थक गए मेरे दोस्तों भी जब हम लोगों ने कल इतना चला 25,000 स्टेप्स हो गए लाइक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर चल के पूरा पैरिस एक्सप्लोर किया हम लोगों ने आईफिल टावर के नज़दीक जैसे देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में. वीडियो तो लाइक 10 मिनट की है बट पूरा दिन चला गया उसको वीडियो में बनाते. तो आज के लिए हम लोग ने कुछ ज़्यादा रखा नहीं इतना ही रखा है बट ज़्यादा कुछ किया नहीं आज. बहुत सारे प्लान से पर ड्रॉप आउट कर लिया बट वी विल मेक श्योर कल हम लोग कुछ तगड़ा करेंगे धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए. जब तक मैं हूँ पैरिस में और 2-3 हूँ मैं सो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. जैसे हम लोगों ने खाना वगैरह लिया है लोग आगे चल रहे हैं तो इसके हाथ में सब खाना है मेरे हाथ में भी है. तो बस खाना खाएंगे हम लोग और आज का व्लॉग यही समाप्त होता है. तो अगर यहाँ तक देखा होगा आप लोगों ने इस वीडियो को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करके जाना इस वीडियो को. मिलता हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. शुभ रात्रि. पीस आउट.